मांगू जी इजाजत है स्क्रीन शेयर करने की हाँ हाँ बिल्कुल श्योर जी मांग स्क्रीन शेयर है जी हाँ हो गया फर्स्ट क्लास जी बिल्कुल शानदार सम्राट सरदार आप सभी को मेरा नमस्कार 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 मैं इंद्रपाल सिंह आप सभी का तहे दिल से आज के इस वेबिनार में तहे दिल से वेलकम करता हूं। एक बार जोरदार तालियां आप लोगों के वेलकम के लिए दोस्तों आज मेरी जिंदगी का बहुत खूबसूरत दिन है क्योंकि तो आज मैं इस लायक हुआ कि आज अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाने का मौका मिला अदरवाइज जिंदगी में लोग बटते रहते हैं दुनिया बढ़ती रहती है सक्सेस ही नहीं मिलती है सक्सेस स्टोरी कहाँ से बनेगी लेकिन मेरी मैं बहुत बहुत भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया और दोस्तों आगे की बात शुरुआत करने से पहले हम परम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं जिनकी वजह से आज हम हैं और आज की आज का दिन हमें इतना खूबसूरत दिया इन्हीं की वजह से पले हम हैं जने हम हैं और इन्हीं को प्रणाम करके आज, आज के दिन की शुरुआत करते हैं स्लाइड कर शो कर लो टाइगर स्लाइड शो करो स्लाइड प्ले स्लाइड शो कर लो, play play, play. लो। तो उपर, ना उपर, उपर प्ले दबाओ फुल स्क्रीन फुल स्क्रीन कर लो प्ले दबाओ प्ले प्ले कुछ दबरा होगा तो ठीक है ऊपर ऊपर लिखा प्ले पे के लिए प्ले, प्ले 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 आ नहीं रहा इसमें ऊपर दिख रहा दिख रहा ऊपर सबसे ऊपर बीच में देखो बीच आ, में उनका ना वो बाहर अच्छा उसके बगल में है नहीं इनका बार के नीचे दबा हुआ रिकॉर्डिंग के जस्ट बगल में रिकॉर्डिंग के बगल में एक, एक, एक मिनट मेरी बार ओके ओके हां हां यही तो है हां यही तो है वेरी गुड अरे पास हो गया सिंह साहब एक्चुअली क्या है बार ऊपर आ गई थी इसलिए मेरे को दो चीज दिखाई दे रही नहीं ऐसे लगता नया नया है नया नया लिया लैपटॉप और मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है और मैंने मेरे माता पिता जिनको मैं चरण स्पर्श करता हूं इनकी वजह से मैं इस दुनिया में आया और मेरे पापा का नाम महेंद्र सिंह है और मेरी मम्मी का नाम बच्चन कौर था और वो आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन आज मुझे पक्का देख रही होगी कि मेरा बेटा आज स्क्रीन पे आज सबको अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रहा है और आशीर्वाद भी रही होगी दोस्तों मेरे गांव का नाम है जुड्डा शेखान मैं जगाधरी का रहने वाला हूं जगाधरी के पास में एक बिलासपुर शहर है उसके पास में मेरा गांव है और मैं गांव देहात में जना पड़ा और वहीं पे मेरा बचपन निकला ये मेरे परिवार की फोटो है मेरे पापा मेरी मम्मी मेरा बड़ा भैया और मेरी मतलब छोटी मेरी सिस्टर और ये रहा मैं ये मैं था यहाँ पे और अपनी मम्मी की गोद में था आज भी हूँ और ये मेरा परिवार और यहाँ से मेरा पापा किसान है और हमारा थोड़ा खेती का काम था वहीं पे हम चल चलते रहते थे और मैं बिल्कुल थोड़ा सा अपने आप को संभालने लगा स्कूल चल रहे थे मेरे गांव के ही स्कूल में प्राइमरी स्कूल था वहाँ पे मैंने अपनी पांचवी क्लास तक मैंने अपनी पढ़ाई किया उसके बाद बिलासपुर शहर में हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिसके अंदर मैंने अपना टेंथ क्लास तक पास किया और जैसे जैसे मैं अपनी पढ़ाई कर ही रहा था और पढ़ाई करते करते एक तो मेरे गांव में बहुत सारे लोग पहले से फौजी थे और कई बार वो लोग ड्रेस में आया करते थे गांव में छुट्टी आया करते थे तो ड्रेस में आया करते थे उनको देख के मैं बहुत इंप्रेस होता था मेरा मन था यार कुछ भी हो जाए किसी भी तरीके से पहले आर्मी में जाना है। और अगर आर्मी की कोई गाड़ी देख लू तो मैं उसको देखता ही रहता था ना मेरा बड़ा शौक था बचपन से ही कि मुझे आर्मी में ही जाना है और कुछ सपना शौक नहीं बस एक ही था दो ही चीजें थी खेलना है और आर्मी में जाना है मेरे को पढ़ाई लिखाई में बचपन से इतना मन नहीं था घर वाले मेरे पापा ने मेरे लिए मैं छोटा था परिवार में तो मेरे लिए बहुत मेहनत की कि ये पढ़े किस तरीके से कि कोई खानदान में कोई आगे मतलब अच्छी एजुकेशन लेके जाए लेकिन मेरा मन ही नहीं लगता था पढ़ाई में बचपन से हम खेतों में जाया करते थे खेत में रहा करते थे वहीं पे खेला खूला करते थे और मतलब एक लाइफ ऐसी थी कि पढ़ाई की पढ़ाई का माहौल ही नहीं था और हमारे गांव में कोई ऐसा नहीं था कि हमें ट्यूशन पढ़ा दे हमारे गांव में ट्यूशन पढ़ाने वाला भी कोई मिलता नहीं था और जो बिलासपुर शहर है हमारे गांव से कम से कम पाँच छ किलोमीटर दूर है आज तो पाँच छ किलोमीटर को हम कुछ समझते नहीं लेकिन पहले क्या था जंगली इलाके होते थे और पांच छ किलोमीटर भी हमें बहुत दूर लगता था है ना कि एक बार जाए ट्यूशन पढ़ के आए ऐसा हो नहीं पाता था तो हम गाँव में ही अपनी जैसी कैसी पढ़ाई होती थी उसी को करते थे और करते करते और ये भी था कि जल्दी से ही टेंथ क्लास पास हो जल्दी से यहां से छुटकारा हो और उसके बाद हम सीधा सीधा आर्मी में चले जाए और जैसी बोला जैसी चाह वैसी था मैं जैसी टेंथ क्लास पास किया और मैं पहली बार आर्मी के एक बार भर्ती देखने गया और पहली ही बार में, में मेरा सिलेक्शन हो गया सिलेक्शन किस लिए हो? क्योंकि गांव के रहने वाले थे और दौड़ भाग में खेतों में रहते थे दौड़ भाग में कमी नहीं थी और बाकी भी भगवान ने श्री सही बनाया था तो पहली बार में मैं भर्ती हो गया और ये मैं आर्मी में गया और जैसे ही आर्मी में भर्ती हुआ शौक से आर्मी में गया था मतलब दबाव से या पैसा कमाने के चक्कर में नहीं शौक था आर्मी में जाने का आर्मी में गया और वहां पे जाके हमारा साठ लोगों का एक बैच था जहां पे मैं भर्ती हुआ और उन साठ लोगों में अगर बोला जाए तो सबसे तेज दौड़ने वाला सबसे तेज एक्टिविटी में अगर हमारे को बोलते हैं फिजिकल फिटनेस में मैं साठ लोगों में नंबर वन पे आया था और ये आप देख पा रहे हैं कि मेरे कमांडिंग ऑफिसर मेरे को जो हम पहली छह महीने की ट्रेनिंग करते हैं छह महीने की ट्रेनिंग के बाद हमारा पास आउट हुआ था और उस टाइम हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने मेरे को मेडल पहनाया था कि मैं नंबर वन की पोजीशन पे आया साठ लोगों में नंबर वन की पोजीशन में था और उसके बाद आगे फिर से अपनी ट्रेनिंग की नेक्स्ट ट्रेनिंग जो आगे चली उसमें मेरा ये पास आउट का एक ड्रेस था ये मेरे उस्ताद थे और इनके साथ में हमने अपना मतलब पास आउट किया था कसम परेड खिलाया था हमने और जैसे ही मैं भर्ती हुआ था मेरा पहले से शौक था आर्मी में कहीं पे भी रहूं लेकिन स्पोर्ट्स बनना है स्पोर्ट्स का बहुत बहुत शौक था और जैसे जैसे मैं भर्ती हुआ और साथ साथ में मैं आप देख पा रहे होंगे कि मैं वेट लिफ्टिंग शुरुआत किया और वेट लिफ्टिंग का नेशनल प्लेयर रहा करीब करीब मैंने दस साल आर्मी में रह के मतलब आर्मी टीम में रह के मैंने स्पोर्ट्समैन रहा और वेट लिफ्टिंग की है लगातार स्पोर्ट्समैन था था मेरा बहुत शौक था मेरी जिंदगी में कि मैं भी आ, कुछ अपने परिवार का नाम रोशन करूं मैं आर्मी में आया हूं तो मुझे भी कुछ ऐसा मौका मिले ताकि मैं अपने खानदान का नाम रोशन कर सकूं या अपनी लाइफ को चेंज कर सकूं तो दोस्तों लेकिन आ, काम तो कर ही रहे थे लेकिन फिर भी क्या है कि एक सैलरी कम होती थी और उसकी वजह से एक नॉर्मल लाइफ चल रही थी ये मेरी लाइफ थी अपना सर्विस के दौरान दौरान मेरी शादी हो गई ये मेरी वाइफ है और शादी के कुछ दिन के बाद हम रुड़की में मेरे पहले से रहते थे तो गांव से भैया वहाँ पे थे मैं उनके पास चला गया और उन्होंने बोला चलो घूमे आओ तो हम घूमने कहाँ गए हरिद्वार घूमने गए शादी के बाद पहली बार हरिद्वार घूमने चले गए लोग कहाँ कहाँ जाते हैं लेकिन अपने को तो कोई इतना पैसा या उस का कुछ सोच था नहीं और हम हरिद्वार घूमने गए और वहाँ पे हर की पौड़ी की मेरी फोटो है आप मेरा ड्रेसअप देख सकते हैं वैसे तो मैं स्पोर्ट्समैन था शुरू से ही और मतलब आर्मी में भी, भी थे उसके बावजूद भी आप मेरा कोट देख सकते हैं है ना आप मेरी पैंट देख सकते हैं कि किस तरीके के हम ड्रेस पहनते थे और ये मेरा उसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरे बेटा हुआ ये बेटे का बर्थडे बना रहे थे हम अपनी वाइफ अपने परिवार के साथ में है ना मेरे दो बच्चे हैं और दोनों बच्चे साथ में हैं मेरी वाइफ साथ में है हमारा परिवार है और हम अपने बच्चों का बर्थडे इस तरीके से मनाया करते थे और उसके बाद ये मेरे अपने दोस्त के साथ में फ्लावर शो का जो मेला लगता है उसमें हम घूमने गए हमारा ड्रेस कोड हमारा चाल ढाल किस तरीके की हमारी लाइफ थी जबकि इस टाइम हम जवान थे इस टाइम हमारी जवानी पूरी जोर पे थी कि हाँ यार अभी क्या है कि बाईस तेईस चौबीस साल तक इंसान अपनी जवानी को पकड़ता है तो हम उस टाइम में थे बहुत कोशिश की लाइफ में बहुत काम किए आर्मी में कई बार मैं छुट्टी उस टाइम आया करता था जब खेतों में काम हुआ करते थे अपने खेत तो जोते जोते थे साथ में हम पड़ोसियों के खेत भी किराए पे जोत दिया करते थे और ये करते थे कोशिश करते कि चार पैसे अच्छे कहीं हाथ में आए और लाइफ चेंज हो बड़े दिनों से था जब से शुरुआत हुई थी अपनी थोड़ा इनकम करने का जब मौका मिला था तब से शौक था कि यार किस तरीके से ना अच्छा कमाएं गांव में अपना एक अच्छा स्टैंडर्ड बनाना है गांव में रहते थे तो गांव में आसपास के लोगों से ये था कि इनसे अच्छी मेरी लाइफ होनी चाहिए लेकिन कम पैसों में छोटे छोटे इनकमों में उस टाइप का हो कुछ नहीं रहा था लेकिन एक दिन अचानक मेरी जिंदगी में वो पल आया जिसकी मैं बड़ी दिनों से तलाश कर रहा था और एक देवदूत मेरे को दिल्ली कैंट में मिले और वो भगवान के भेजे हुए थे और उन्होंने जो मेरी दिल के अरमान थे जो मैं अपनी अच्छी पहचान बनाना चाहता था या जिंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहता था वो मार्केट में मिले और मार्केट में जैसे ही उन्होंने मुझे पूछा कि आप कहाँ रहते हो क्या करते हो दो तो चार बातें पूछी तो उन्होंने मुझे ये जो हम प्लान दिखाते हैं शेप शॉप का ये जिंदगी बदल देने वाला है ना ये मेरे को प्लान दिखाया और किस्मत ऐसी कि जब मैंने प्लान देखा मेरे को बहुत अच्छा लगा उसी टाइम बढ़िया लगा पहली ही नजर में मेरे को ये लगा कि मेरे को ये काम करना चाहिए लेकिन ज्वाइनिंग के लिए पैसे नहीं थे सारा कुछ अच्छा लग रहा था दिल कर रहा था नहीं यार ज्वाइन कर लेता हूं सर बोल रहे हैं यहां से लाखों रुपया कमाया जा सकता है तो क्या पता मेरी जिंदगी में बदलाव आ जाए क्यों ना इस काम को कर लिया जाए तो मैं करना चाह रहा था मेरा मन था लेकिन एक कदम पीछे क्यों हट रहा था क्योंकि जेब में पैसे नहीं थे ज्वाइनिंग के लिए पंद्रह साल गवर्नमेंट जॉब हो चुकी थी चेतक स्कूटर से हम चला करते थे मतलब दो बच्चे वाइफ हम सब लोग थे छोटी सी सैलरी थी और खेती से जितना आता नहीं है उतना वापस दोबारा फिर लग जाता है वहां से भी कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं आती थी कि यार किस तरीके से हमारी जिंदगी बदलाव आए लेकिन खींच खाच के महीना चलता था सैलरी से परिवार साथ में रहता था और जब परिवार में साथ में रहता है तो खर्चे कुछ ज्यादा होते हैं तो महीने के लास्ट दिनों में मैंने प्लान देखा और जैसे ही मैंने प्लान देखा और प्लान दिखाया वो कोई और नहीं थे मेरे गुरु मिस्टर पी आर चौधरी जी हैं जो कि देवदूत के रूप से मेरी आ, मेरी जिंदगी में आए तो मैं चाहूंगा मांगुर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां जाए और ये अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला और सारे कोर थे शुरुआत से सर एक कोर रहे हैं एक कोर लीडर की एक पहचान होती है कि वो जब भी उनके पास हर क्वेश्चन का आंसर होता है हर तरीके से वो अपने एसोसिएट को जाने नहीं देते उनका डिसीजन लेने में उनकी मदद करते हैं और मैंने बोला सर प्लान तो बहुत बढ़िया है लेकिन परिवार वालों को पूछेंगे तो सर ने मेरे को ही पूछा था कि आपके परिवार वाले इस बिजनेस के बारे में जानते हैं किससे पूछोगे तो वाइफ से पूछेंगे वाइफ इस बिजनेस के बारे में जानती है तो मैं नहीं जानती है आपके भैया मतलब भैया भी नहीं जानते हैं दोस्त जानते हैं नहीं जानते हैं तो किससे सलाह लोगे पेरेंट्स जानते हैं मतलब नहीं जानते तो जब कोई आपका ऐसा है ही नहीं जो इस बिजनेस के बारे में पहले से जानता हो आपको क्या सलाह देगा एक्चुअली सलाह वाली बात नहीं थी मैंने बोला सर तो ठीक ठीक है है वो सब है, कर लेंगे लेकिन फिर भी एकदम पीछे हट रहा था तो सर ने पूछा जी ये असलियत बताओ दिक्कत आ आ रही है है जब आपको प्लान पसंद गया है, आप डिसीजन ले सकते हो है ना आप जिंदगी बलना चाहते हो फिर दिक्कत कहां आ रही है पहले ये बताओ तो मैंने बोला सर आपने जो बोला ना कि यहाँ पे शुरुआत करने के लिए प्रोडक्ट परचेजिंग करना पड़ेगा मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं प्रोडक्ट परचेजिंग कर तो जब ये बात सर ने सुनी तो सर ने बोला देखो ऐसा है अभी आप बोल रहे थे कि मेरी पंद्रह साल गवर्नमेंट जॉब हो चुकी है और पंद्रह साल गवर्नमेंट जॉब होने के बावजूद भी अगर आपके पास सात आठ हजार रुपया ज्वाइनिंग करने के लिए नहीं है तो इसका मतलब क्या समझते हो आप? आपको अपने ये बिजनेस बहुत जरूरी है और उसको आज ही डिसीजन लेना चाहिए तो मैंने बोला कि सर ठीक है आप बोलो रहे डिसीजन लेना चाहिए डिसीजन तो लेना चाहिए अगर किसी के पास पैसे ना हो तो क्या कर सकता है कोई क्या करे तो सर ने बोला कोई बात नहीं आप ये फॉर्म है इसको आप फिलअप कर दो और इसमें छोटा सा अमाउंट लगना है और उस टाइम साढ़े तीन सौ रुपये फॉर्म का लगता था तो बोला साढ़े तीन सौ आप पे करना है अभी से आपकी शुरुआत हो जाएगी आगे का हम प्लानिंग करवाएंगे कि आपको पैसा कैसे जमा कर सकते हैं तो जैसे ही मैंने वो फॉर्म फिलअप किया सबसे छोटा प्रोडक्ट डाल दिया उसमें करीब उस टाइम साढ़े सात सौ रुपये साढ़े सात हजार रुपये का प्रोडक्ट आता था और वो मैंने लिखा और सर को फॉर्म पकड़ाया कि सर थैंक यू आपने मेरी ज्वाइनिंग करवा दी तो सर ने जैसे ही मेरे को पूछा कि इंद्रपाल जी प्रोडक्ट के पैसे कब दोगे तो सैलरी वाला आदमी एक बात बोलता है कि सर सैलरी मिलते ही दे दूंगा दे तो मैंने बोला कि सर सैलरी मिलते ही मैं आपको प्रोडक्ट का पैसा दूंगा तो सर ने बोला कोई बात नहीं यार आप सैलरी पे देना लेकिन ये बताओ आपके पापा आप जानते हैं आप आर्मी में मैं क्या हाँ सर बिल्कुल क्यों नहीं जानते जानते हैं तो उन्होंने बोला कि कल अगर आपके घर में दस हजार रुपए की जरूरत पड़ जाए तो आप क्या करोगे पापा ने आपको कॉल कर दिया है कि बेटा दस हजार रुपये दे तो आप क्या करोगे तो मैंने बगैर कुछ बातें सुने सुनाए एक बात सीधी सीधी बोल दी सर साथ में दोस्त रहते हैं ना उनसे थोड़ा जुगाड़ करके पापा के अकाउंट में डलवा देंगे तो उन्होंने बोला देखो ऐसा है जब भी कभी हमें जरूरत पड़ती है तो हम दस हजार नहीं हम दस लाख का भी जुगाड़ कर लेते हैं लेकिन जब जिंदगी बदलने की बात आती है और जहां से हम ये सारी प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं वहां पे हम डिसीजन लेने में बड़ा करते हैं कब देखेंगे हम जुगाड़ नहीं कर सकते तो सर ने जब मेरे को पूछा इंद्रपाल जी जिंदगी बदल सकती है इसके लिए जुगाड़ नहीं कर सकते तो मैंने बोला सर बिल्कुल जुगाड़ कर सकते हैं तो बोला फिर क्यों सैलरी का इंतजार करते हैं आज से शुरुआत करते हैं ना मैं मार्केट क्यों गया था मुझे आज तक याद नहीं आया और जैसे ही सर ने बात बोली तो वहीं से हमने अपनी अपनी बाइक मेरे पास स्कूटर हुआ करती थी मैं उसको लेके अपने घर की तरफ वापस गया और मैं घर ना गया मैं उन लोगों के पास गया जहां से मुझे पैसे की उम्मीद थी कि यहां से मुझे पैसा मिल सकता है तो मैंने मतलब अपने दोस्तों से एक के पास गया दूसरे के पास गया तीसरी बार तीन लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा उधार मांग के मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की काम करने लगे और जब काम करने लगे कि यार अभी काम करना है तो काम करने के बाद सर ने मुझे आगे आगे सिस्टम में कैसे कैसे काम करना है इस अपॉर्चुनिटी को मैंने ज्वाइन कर लिया दुनिया की हिंदुस्तान की सबसे नंबर वन कंपनी स्टेप शॉप में एंट्री करने का मुझे मौका मिला और इसके लिए मैं अपने सारे डायरेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्हीं सभी डायरेक्टर साहब की वजह से हमें हमारे जैसे एक आम इंसान को एक आम सपने अपने दिल में रखे हुए जो लोग घूमते हैं उन लोगों के लिए इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी दी और मैं चाहूंगा मेरे सारे डायरेक्टर साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हमारी कंपनी के लिए भी जोरदार और दोस्तों जैसे ही मैं सिस्टम में एंट्री हुआ और मेरे को बता दिया गया कि यहाँ पे एक सिस्टम है जिसका नाम है सक्सेस सक्सेसोर्ट सिस्टम और इस सिस्टम के तले जो लोग लोग इसके इसके बैनर के के तले रह के और सिस्टम की एजुकेशन लेके जो लोग काम करते हैं वो लोग जिंदगी में बहुत तेजी से सफल होते हैं बहुत सारी कंपनियां होती हैं कंपनियां चलती हैं कंपनियों के लीडर आगे काम करते हैं लेकिन उनमें कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं होता और जब तक लोगों को एजुकेटेड ना किया जाए जब तक लोगों को सिस्टम की गहराई ना बताई जाए या फिर कोई वहां पे हमारा कोई ऐसा कॉलेज स्कूल ना हो जहां से हमारे कोई एजुकेशन मिलती हो जहां पे हम पढ़ाया जाता हो कि हम जिंदगी में सफल होंगे कैसे बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं वो अपनी पहले जितनी एजुकेशन होती है उसी को लेके बोलते हैं कि शायद हमने पढ़ाई लिखाई पहले करी है और यही पढ़ाई यहाँ पे भी हमारी काम हो जाएगा हमने दो लोगों को ज्वाइनिंग ही तो करना है और क्या करना है इस बिजनेस को बहुत कुछ करना है और जो आज तक ये एजुकेशन ली है उसमें से शायद पांच परसेंट ही यहाँ पे यूज हो लेकिन जो सिस्टम की एजुकेशन है अगर हमने ये सिस्टम की एजुकेशन ले ली तो यहाँ से हम अपनी जिंदगी जरूर बदलेंगे तो जब मेरे को सिस्टम के साथ जोड़ा गया और सिस्टम के फाउंडर लीडरों के बारे में जब बताया गया कि उनका विजन कितना बड़ा है उनका पहले पहले बैकग्राउंड क्या था आज बैकग्राउंड कैसा है जमीन लोगों के बारे में आ, मुझे बताया गया मुझे भरोसा हो गया सिस्टम पे और मैंने बोला सर जो बोलोगे जैसा सिस्टम बोलेगा मैं वैसा ही करूंगा और हमारे सक्सेस फॉर सिस्टम के जो फाउंडर लीडर हैं तो आ, मैं चाहूंगा सभी लीडर्स के लिए हमारे सभी लीडर्स के लिए एक बार जोरदार ताली और उसके बाद जब मैं सिस्टम में आया और सिस्टम में आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे कोच होना क्योंकि कोच के बारे में मैं पहले से जानता था मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूं और स्पोर्ट्समैन में भी हमारा वहां पे कोच हुआ करता था वैसे तो किसी को बोलो कि जाओ आपको वेट लिफ्टिंग करनी है अब जाओ वहां पे वेट पड़ा है और प्रैक्टिस करो जाके लेकिन जब तक वहां पे भी हमारा कोच ना हो हमें कुछ गाइड करने वाला हो ना हो तो वहां पे भी हम प्रवेश नहीं कर सकते और वहां पे मुझे कोच की अहमियत का पता था कि कोच चाहे और जो लोग कोच की वैल्यू करते हैं या कोच के मतलब आदेश अनुसार चलते हैं वो बड़ी सफलता लेते हैं और उनकी वजह से मैंने यहाँ पे भी मैं भगवान का कोट कोट धन्यवाद देता हूं कि मुझे ऐसे कोच मिले मुझे ऐसे मेरे पग प्रदर्शक मिले और जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने बात कर पा रहा हूँ और मैं ये दोनों शख्स मेरे जो शख्स नहीं ये दोनों शख्सियत है मेरी जिंदगी ये है ना जिनका कन, जब से मेरे कंधे पे हाथ आया है तब से मेरी जिंदगी एकदम बदलती ही रही है और इनके लिए आ, बात करेंगे एक आ, दोहा है करता करे ना कर सके गुरु करे सो होए तीन लोक नो खंड में गुरु से बड़ा ना कोई और दोस्तों मतलब ये मेरे दोनों गुरु हैं इनकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूं और मांगुर जी, चौधरी की वजह से आज मैं बड़ी सफलता ले पाया इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के रखा पहले तो मैंने हाथ पकड़ा था लेकिन अपना हाथ कभी भी छूट सकता था क्योंकि बीच बीच में भी, 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 कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आती है कुछ लोग मिल जाते हैं लेकिन सर ने शुरुआत से ही मेरा हाथ पकड़ के रखा मैं जब भी थोड़ा बहुत डगमगाने लगा सर ने मेरे को बोला नहीं इंद्रपाल हमने बड़ा काम करना है बड़ी सफलता लेनी है और आप चलते चलो कोई बात नहीं जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं हम कई बार अपनी लाइफ में बीमार भी तो हो जाते हैं बुखार भी तो आता है हम बिल्कुल हेल्दी हैं फिर भी हम हमारे आ, दिमाग में हमारी बॉडी में वायरस चला जाता है हम कुछ दिन के लिए अस्वस्थ हो जाते हैं फिर कुछ दिन अपने अरेस्ट करने के बाद फिर हम आ, आगे एकदम फिट फार होके फिर अपने कामों को करते हैं जिंदगी जीते हैं तो कोई बात नहीं उतार चढ़ाव लाइफ में आएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता आओ मिलके काम करेंगे और एक दिन इतिहास लिखेंगे एक दिन हमारा नाम होगा हम अपने चुन चुन के ड्रीम पूरा करेंगे सर मुझे ऐसा करते रहते थे और साथ रहते थे और इन्होंने मुझे मतलब अपने मेंटर माँगुरु जी नरसी ग्रेवाल जी से मिलाया और जब से माँगुरु जी नरसी गरेवाल जी मुझे मेरी जिंदगी में आए हैं तब से मेरी बहुत सारी आदतें मतलब ऑटोमेटिकली बदल गई बोलते हैं ना किसी न किसी का किसी को डर होना चाहिए चौधरी साहब मेरे साथ में जब हम शुरुआत से ही एक साम जोड़ी बना के काम करने लगे थे तो क्या होता है जब कोई आदमी जोड़ी में आ जाता है भले ही वो अपना गुरु ही मेंटर ही क्यों ना हो तो हम उनके साथ इतना घुल मिल जाते हैं कि कई बार तो हम अपने आप ऐसा महसूस ही नहीं करते कि ये हमारा कोई गुरु है या गुरु हमारा मेंटर है हम ऐसे सोचते हैं मेरा दोस्त ही है हम तो एक ही बेड पे सोए जाया करते थे बिल्कुल एकदम एक ही थाली में खा लिया करते थे एक ही स्कूटर पे दिन रात चलते रहते थे तो क्या है कि डर नहीं रहता है लेकिन जब से मांगुर जी नरसिंह गरीवाल जी का आशीर्वाद मिला सर के आश्रम में आए हम तो मांगुर जी तो ऐसे जैसे मैं आर्मी में रहूं आर्मी में था और आर्मी में हमारा कोई जनरल साहब आ गया हमें किसी जनरल से कम नहीं थे और ये जब से मेरी जिंदगी में आए मुझे एकदम एकदम सावधान जैसे हम आर्मी में हम किसी अफसर को देख लेते थे एकदम सावधान हो जाते थे कि हमारे अफसर साहब आ गए हैं और हमें अपना आप कोई भी अगर हम काम ना भी कर रहे हो तभी हम काम में लग जाते थे कि यार हमारा अफसर बोल के बोलेगा कि ये लोग काम नहीं करते तो ऐसा मतलब वहां पे डर लगता था महागुरु जी नरसिंह गरीवाल जी मेरे लिए एक देवता के रूप में आए और इन्होंने इनका प्रभाव मेरे ऊपर इतना पड़ा है शुरू से ही कि इनसे मुझे डर लगता है इनकी एक एक बात से मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे कुछ बोल ना दे महागुरु जी की आवाज से एक ही चीज सुनना चाहता हूं कि साबा चंद्रपाल आपने बहुत अच्छा किया बस इसी शब्द को सुनने के लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ देता हूं मेरे अंदर बहुत सारी बैड हैबिट्स थी इस बिजनेस में आने से पहले बहुत सारी बैड हैबिट्स थी और मांगुर जी चौधरी साहब के बोलने के बावजूद भी मैं नहीं छोड़ पा रहा था लेकिन जैसे जैसे मांगुर जी नरसिंह गरीवाल जी का आशीर्वाद मुझे मिला तो धीरे 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 वो सारी चीजें मुझे अपने आप समझ में आने लगी और मैं उन सब चीजों से थोड़ा दूर रहने लगा और मांगुर जी इन दोनों शख्सियतों का मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा रोल है आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं तो उनमें किसी और का नहीं इन दोनों शख्सियतों का मैं तो कुछ भी नहीं था मैं तो एकदम अनजान और बिल्कुल ऐसा कि मेरे को कुछ पता नहीं था लेकिन जब से सरलोक मेरी लाइफ में आए हैं मैंने एक ही बात मानी है जैसे अभी भी मांगुर जी बोल भी रहे थे हनुमान जी का रोल अदा किया है क्योंकि बिजनेस में कुछ ज्यादा आता जाता तो था नहीं पढ़ाई लिखाई इतनी अच्छी थी नहीं कंप्यूटर व्यूटर इतना अच्छा आता नहीं था रजिस्ट्रेशन करने आते नहीं थे और पहले तो प्लान दिखाने पर नहीं आते थे लेकिन सर ने बोला कि अगर जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे वैसे वैसा करते जाना तो हमारे को क्या था अगर बात मान लेने से जिंदगी बदल रही है तो बात का मानने में हर ही क्या है और जब यहाँ पे बोला गया कि अपना दिमाग नहीं लगाना तो जरूरी है अपना दिमाग फालतू का दिखाना मतलब मैंने अपना दिमाग रखा साइड में और हनुमान मोड पे आके जैसा आदेश मिला एक ही शब्द बोला जय श्री राम जैसे हनुमान जी बोलते थे ऐसे हम भी बोलते थे जय श्री राम आपने जो बोला सर वो काम होगा वो कैसे होगा वो हमारे ऊपर है लेकिन वो काम होगा ऐसे करते गए करते गए आज जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आया तो मैं चाहूंगा मेरे मेंटर्स के लिए दोनों मेंटर्स के लिए एक बार जोरदार वाली अभी तक की सबसे जोरदार वाली ताली जरूर बजाएं थैंक यू जी आप लोगों के आशीर्वाद से के मेरी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आया इसके लिए मैं आप लोगों का सदा आभारी रहूंगा और आपका इसी तरीके से मेरी, मेरे मेरे कंधों पर हाथ रहे और मैं एक दिन इतिहास लिख के दिखाऊंगा सर सिर्फ यहीं पे नहीं मैं नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी पहचान बनाना चाहता हूं आप मेरा आशीर्वाद बनाए रखना और हम बड़े लेवल पे काम करेंगे सर लोगों ने मुझे दो चार बातें बोली थी कि जिन चीजों को मेरे को अपनी एक्शन में लाना है और मोटिवेशन तो मिलता ही है साथ में मेरे को काम क्या क्या करने हैं किन कामों को करके मैं अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकता हूं सबसे पहले बोला कि अगर आप अपना बड़ी सफलता लेना चाहते हो तो आपको क्या है अपनी लिस्ट बनानी होगी कितने लोगों को जानते हो कितने लोगों को आप बिजनेस में लाना चाहते हो कौन कौन लोग होंगे जो आपका साथ देंगे आप पहले उनकी लिस्ट बनाओ तो मैंने लिस्ट बनाया और लिस्ट बनाने के बाद उन लोगों को इनविटेशन करने के लिए बोला कि उनको इनवाइट दो इनवाइट करो कैसे कैसे इनवाइट करना वो भी मेरे को सिखाया और फिर आगे प्लान दिखाने के बारे में शौदा प्लान हम प्लान करेंगे तो हमने प्लान भी किया और फिर प्लान के टाइम पे क्या है सभी लोग डिसीजन नहीं ले पाते जैसे करना तो मैं चाहता था मैं बिजनेस तो करना चाहता था मेरा मन था करने को लेकिन पैसा ना होने की वजह से मैं अपने कदम पीछे खींच रहा था ऐसे हजारों लाखों लोग हमें मिलते हैं बहुत सारे लोग मार्केट में मिलेंगे जो करना तो चाह रहे होंगे उनका एक मन तो बोल रहा होगा कि नहीं यार इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आज इसको कर लेते हैं लेकिन जब वो अपने अकाउंट को देखते हैं अपनी जेब को देखते हैं और उनके पास ज्वाइनिंग के लिए प्रेट छोटा सा प्रेट है करोड़ों कमाने का मौका है छोटा सा प्रेट परचेजिंग करना होता है लेकिन उस टाइम हमें ये समझ में नहीं आता कि ये इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको खरीद ही लेना चाहिए कहीं से जुगाड़ करना चाहिए लेकिन कई लोग जुगाड़ नहीं कर पाते अपना डिसीजन इस वजह से नहीं ले पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता तो उसके लिए हमें उनको करना पड़ेगा फॉलोअप करना पड़ेगा बार बार उनसे मिलना पड़ेगा और उनके उनको जो ए, ये क्यों करना है इसके लिए जुगाड़ कैसे करना है वो भी बताना पड़ेगा कि यार एक आदमी अगर चाय की दुकान खो, खोलता है तो उसके लिए भी कम से कम पचास हजार रुपये का जुगाड़ करता है उसके पास कौन सा जो चाय की दुकान कर रहा है वो कौन सा पहले लाख दो लाख रुपए अपने अकाउंट में रख के बैठता है कि उसके पास लाख लाख दे और उसने सोचा चल पचास हजार की खोखा लगा लेता हूँ चाय की दुकान लगा देता हूँ उसके पास कौन सा होते हैं जो बेचारा पान का खोखा खोलता है उसके पास कौन सा पहले लाखों रुपया रुप होता है और फिर वो दस दस रुपए के पान बेचेगा ऐसा थोड़ी होता है लेकिन उन लोगों के पास भी पैसा नहीं होता है लेकिन वो अपनी रोजी रोटी बनाने के लिए कोई छोटी मोटी चाय की दुकान खोलता है कोई छोटा मोटा पान का खोखा खोलता है कोई बिड़ी सिगरेट बेचने का जुगाड़ करता है उनके पास भी पहले पैसा नहीं होता लेकिन जब वो डिसीजन ले, ले लेते हैं कि यार मुझे इस काम को कर लेना है और यहां से मैं अपना इनकम कर लिया करूंगा तो फिर वो लोग कहीं ना कहीं से जुगाड़ करते हैं तो जब बाकी वहां के लिए जुगाड़ कर सकते हैं तो यहां पे एक छोटा सा प्रोडक्ट लेके क्यों नहीं लाखों रुपया यहां पे लगाने की जरूरत नहीं लेकिन लाखों रुपया बाकी सब कामों को शुरुआत करने के लिए जरूरत है तो वहां पर फॉलोअप करना लोगों का इसलिए जरूरी है कि उनको एहसास करा दिया जाए कि ये बिजनेस आपकी जिंदगी बदल सकता है और अगर आप चाय की दुकान लगाएंगे अगर आप पान का खोखा खोलेंगे तो जिंदगी भर भी वहां बैठे रहेंगे आप जो कर पाएंगे आप अकेले कर पाएंगे यहां पे हम सब लोग आपके साथ में लगेंगे तो जब फॉलोअप पे सारी बातें होती है तो वहां पर डिसीजन लेने का मौका होता है और इसी के साथ में जब फॉलोअप करते हैं तो क्लोजिंग भी होती है और बार बार जाते हैं तो क्लोजिंग मिल जाती है तो ये पांच ऐसी चीजें थी जिनको मेरे को टाया गया कि ये काम आपको करने हैं तब आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा तो जैसा जैसा मागुर जी लोगों ने मेरे को बोला और मैं वैसा वैसा करता गया आज जिंदगी में बहुत बदलाव आया सिर्फ ये पांच स्टेप को फॉलो करने से बड़ी सफलता मिली और दोस्तों तो जैसे ही मैंने इन चीजों को फॉलो किया और फॉलो करने के बाद पहले मैं कभी भी इंडिया से बाहर नहीं गया था इस बिजनेस को ज्वाइनिंग करने के बाद पहली बार तो मैं गोवा गया था इससे गोवा भी पहली बार इस बिजनेस में आने के बाद गया था मैंने कभी फाइव स्टार अंदर से नहीं देखा था इस बिजनेस में आने के बाद गोवा में जब हम गए कंपनी की तरफ से टारगेट था मैं वो अचीव करके जब गोवा गए तो वहां पे पहली बार मैंने फाइव स्टार होटल अंदर से देखा था इससे पहले तो मैंने फाइव स्टार कभी अंदर से देखा ही नहीं हमें मालूम ही नहीं कि अंदर होता क्या है किस तरीके के होटल होते हैं वहां का जो रूम होता है एक बार अगर पहली बार कोई इंसान जाए तो वो रूम पे लेटेगा कम उसको चारों तरफ घूम घूम के देखता रहता है मैं तो ऐसे ही करता था इतना सुंदर वहां के वॉशरूम जब हम देखते थे तो यार हमारे यहाँ तो इतने साफ किचन भी नहीं होते जितने वहां पे वॉशरूम होते मतलब वहां की साफ सफाई को देख के वहां के डिसिप्लिन को देख के मतलब लगता था कि वाह अगर जिंदगी में स्वर्ग नर की बातें करते हैं और इस तरीके की जिंदगी मिले तो स्वर्ग से कम ये भी नहीं है भगवान ने सारी सुख सुविधाएं यहीं पे दे के भेजी हैं मरने के बाद किसको पता कहाँ स्वर्ग होता है क्या स्वर्ग होता है कैसे होता है अगर हमारे कर्म थोड़े अच्छे हो जाएं तो जिंदगी जीते जीते ही हमें स्वर्ग मिल जाता है दोस्तों इस की फाइव स्टार लग्जरी लाइफ ये उन लोगों को नसीब नहीं, लोग नहीं, नहीं, नहीं होती लेकिन जब ये सिस्टम में आते हैं तो सिस्टम हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी सिखाता है फालतू के टाइम को यूज करना सिखाता है तो दोस्तों पहली बार थाईलैंड गया और थाईलैंड में जाके आप देख रहे हैं कि मैं कैसे ये देखो चिड़िया अपने हाथों पे उठा के घूम रहा हूँ है ना ये फोटो थोड़ा काली हो गया पता नहीं कैसे हो गया ये तो आ, ये दिख नहीं पा रहा होगा आपको तो मतलब यहाँ पे हमें अपने हाथों में चिड़िया खिला रहे हैं विदेशों में जाके एंजॉय ले रहे हैं है ना आप इसको और देखें यहाँ पे सफारी वर्ल्ड में अपनी टीम के साथ में अपने लीडरों के साथ में ये हमारे डायमंड्स हैं है ना दोनों डायमंड्स हैं बाकी हमारे टीम लीडर्स है सारे इनके साथ में ये देखिए हम बचपन में तो इतना मजा नहीं ले पाए छोटी छोटी जो खिलौने होते हैं है ना ट्रेन होती है तो इन इनपे हम बचपन में हमारे पास थी नहीं तो मजा कहां से लेंगे ऐसी लाइफ थी नहीं लेकिन सिस्टम में आने के बाद सारे शौक पूरे कर रहा हूं एक छोटे से छोटे जो बच्चे बचपन में बचे हुए थे वो भी शौक पूरे हो रहे हैं यहाँ पे ये देखिए हम ट्रेन चला रहे हैं अपने डायमंडो के साथ में और ये बुल के साथ में फाइट है ना क्योंकि बुल के साथ तो हो ही जानी थी क्योंकि इधर देखिए जिंदा शेर के साथ में हम वहां पे उसके सर पे हाथ रख के फोटो खिंचवा रहे हैं है ना ये देखिए आप ये सारे सारे टारगेट जो जो वो वो तो आया था मैंने जब ज्वाइन किया था मेरी लाइफ में पहली बार टारगेट दिखा था थाईलैंड का और मैंने आर्मी से छुट्टी ले ली थी मैं बोला कुछ भी हो जाए इस टारगेट को जीतना है और टारगेट जीत के इस तरीके से एंजॉय लिए विदेश में जाके और उसके बाद वहीं पे थाईलैंड में ही हम फुल इंजॉय लेके आए और वहां पे देखिए बीच में हमने पहले कभी समुंदर ही नहीं देखा था मैं आर्मी में इतने साल रह गया मैंने कभी समुन्दर नहीं देखा गोवा में गए तब पहली बार समुद्र देखा और दूसरी बार मैंने जाके थाईलैंड का बीच देखा था और थाईलैंड के बीच में हम जब गए वहां पे तो देखिए यहाँ पे अपने डायमंड के साथ हम डांस कर रहे थे वहां पे भी ठीक है हम समुंदर में बीच के अंदर जा जाके खूब डांस कर रहे थे वहां पे मजे आते हैं उसके बाद वहां पे बीच पे ये देखिए हम अंग्रेजों के साथ में वहां पे वॉलीबॉल खेल रहे थे उस साइड में अंग्रेज अंग्रेजा इस साइड में मैं और निहाल जी थे और हम दोनों सब लोग वहां पे फुल्ली एंजॉय ले रहे थे ये जो हम पहले पिक्चरों में देखते थे कि बोट चला रहे हैं वो के अंदर बोट चलाते हैं तो वहां पे हम फिल्मों फिल्म, फिल्म शूटिंग होती थी उनको देखते थे हम सोचते थे यार अपनी लाइफ में तो ऐसा कुछ है ही नहीं लेकिन सिस्टम में आने के बाद टारगेट जीतने के बाद आप देखेंगे कि उन हीरोनों हीरो की तरह हम भी यहाँ पे विदेशों में जाके समुद्र के अंदर बाइक चला रहे हैं है ना फुल मजा ले रहे हैं और यहाँ पे अंग्रेज मेरे को डोले दिखा रहा था लेकिन मैंने बोला कि अगर मैं दिखाऊंगा नहीं अभी तेरे को सही है तो आप देख रहे हैं इन लोगों के साथ में फुल एंजॉय और ये वहां पे समुद्र के अंदर ही सही है ये हम ऐसे हवा में उड़ते हुए क्या गजब लाइफ है दोस्तों ये लाइफ में जो भी बदलाव आए ये जो इंजॉयमेंट आया ये सारा सिस्टम की वजह से आया और दोस्तों देखिए कि समय समय की बात है कि जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था कहने को पंद्रह साल गवर्नमेंट जॉब भी किया लेकिन उसके बाद किसान थे परिवार में खेत में खेती में भी काम करते थे आके लेकिन ज्वाइनिंग करते समय साढ़े सात हजार रुपए नहीं थे लेकिन बिजनेस में आए तो ये देखिए आज अपने डायमंडो के साथ में डॉलरों के साथ हम ताज पत्ते खेल रहे ठीक है यूरो के साथ सॉरी यूरो है ये यूरो के साथ हम ताज पत्ते खेल रहे हैं खूब मजे ले रहे हैं सिस्टम में आने के बाद टारगेट जीतने के बाद की लाइफ है ये और ये आप देख पा रहे हैं कि विदेशों में जाके फुल्ली एंजॉय है ना और जब हम यूरोप में गए थे तो यूरोप में ये बस हमें लेने आई थी ऐसी बस हमने कभी पहले इंडिया में देखी भी नहीं थी अंदर से बैठ के सही है ये लग्जरी है फाइव स्टार है और इसके अंदर हम सफर करने आए करने लगे और दोस्तों एक फोटो में आपको दिखाने जा रहा हूं जो मेरे लिए करोड़ों रुपए में भी नहीं मिलती है और वो है अपने मेंटर के साथ में यूरोप जैसी जगह पे घूमना ये एक पिक्चर पिक्चर है मेरे लिए जो बहुत अनमोल है और मैं बड़ा संभाल के रखा हूं इसको है ना और लगाया भी सेंटर में है क्योंकि अपने मेंटर के साथ में जहां पे हमने कभी इंडिया से बाहर जाकर नहीं देखा यहाँ पे यूरोप में माँ जी का साथ मिला और मांगुरु जी के आशीर्वाद की वजह से इन लोगों की गाइडलाइंस की वजह से मैं विदेश पे घूमने गया और माँ जी लोगों के साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिला और यहाँ पे देखिए कि का हाथ हमेशा मेरे कंधे पे रहता है गुरु जी चौधरी साहब का हाथ हमेशा मेरे कंधे पे रहता है गुरु जी ऐसे ही बनाए रखना ये यूरोप की फोटोएं है है ना यूरोप में हम कैसे मजे ले रहे और ये देखिए बब्बर शेर तो हमेशा बब्बर शेर ही होते हैं हमने भी शेर की सवारी यूरोप में जाके की और वहां पे आप देख पा रहे हैं हम आगे हैं उसके पीछे शमशेर जी हमारे डबल डायमंड और यहाँ पे डबल डायमंड हमारे नियाल जी ये दोनों हमारे साथ में हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आप अपने डायमंडों के साथ में फुल मजे लेते हुए सही है ये सारा ये विदेशों के सारे एंजॉयमेंट ये सारे हम ले पाए हम कभी अपने बच्चों को कहीं घुमा नहीं पा रहे मैं पहले भी दिल्ली में रहा हम पोस्टिंग रहे जब मैंने ज्वाइनिंग किया था तब दिल्ली में थे और मेरे छोटे छोटे बच्चे जो हमने स्टार्टिंग में, में दिखाए थे है ना तो वो मेरे बच्चे मेरे साथ में हम दिल्ली में रहा करते थे लेकिन कभी भी दिल्ली में रहते हुए हमने क्योरिटी कभी नहीं गए हमें पता भी नहीं था किंगडम ऑफ ड्रीम भी कोई चीज है और जितनी भी ये सुख सुविधाएं हम विदेशों में जाके देख रहे हैं वो इंडिया में भी हैं हमें आइडिया नहीं था हमें पता ही नहीं था लेकिन आप देख रहे हैं कि हम अपने परिवार के साथ में केओडी में फुल एंजॉय लेते हुए अपने परिवार के साथ में तो दोस्तों ये मेरे बड़े बड़े अचीवमेंट्स हैं जो पहले नहीं थे लाइफ में लेकिन ये सिस्टम में आने के बाद ये सारे एंजॉय लेने का मौका मिला और यहीं पे नहीं हम अपने परिवार के साथ में पूरे इंडिया में जहां भी मन करता है चले जाते हैं घूमने लेते हैं तो दोस्तों जब इस बिजनेस में आया था तो मेरे पास में एक मोबाइल हुआ करता था मतलब पंद्रह रुपए का मोबाइल था है ना नोकिया था पंद्रह सौ का मोबाइल था और उसी से हम अपना टाइम पास करते थे और हमने कभी मोबाइल नहीं बदला हमने कई सालों तक अपना मोबाइल नहीं बदला मोबाइल बदलने की बात आती थी तो हम उसका कवर बदल दिया करते थे कवर बदलने से मोबाइल फिर से नया हो जाता था लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद एक नहीं मैंने कम से कम अभी तक पंद्रह मोबाइल बदल दिए होंगे है ना जब दिल चाह तब मोबाइल बदल दिया और मेरे को लैपटॉप में काम मतलब लैपटॉप का कंप्यूटर आता ही नहीं था जब मैं इस बिजनेस में आया तो मेरे को कंप्यूटर आता ही नहीं था और यहां पे आने के बाद मैंने टारगेट अचीव किया था कंपनी का और टारगेट अचीव करके मेरे पास में लैपटॉप आ गया और साथ साथ में लेकिन लैपटॉप आया यहाँ पे अचीवमेंट लिया उसके बाद और लैपटॉप भी मैंने अचीवमेंट लिए मतलब आज मैंने कल बोलता हूँ छह सात लैपटॉप मैंने अचीवमेंट लिए कुछ कंपनी से लिए और एक बार मैंने परचेजिंग किया लेकिन अभी एक बार परचेजिंग करने के बाद दूसरा अगर मुझे मौका मिला तो आपके पास सामने है मेकबुक प्रो ये मुझे इस बिजनेस में आने के बाद खरीदने का मौका मिला मेरे को इतना आइडिया है इतना पता है मेरे को पहले से कि अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होता तो जिंदगी में मैं तो कभी मेकबुक के बारे में सोच ही नहीं पाता मेरे पास तो होता ही नहीं कारण हम, हम तो हमने तो कभी लैपटॉप खोल के नहीं देखा हमें क्या मालूम कि लैपटॉप क्या होता है लेकिन आज हम मैक मेकबुक से अपना सारा काम कर रहे हैं मैकबुक चला रहे हैं ये हमारे बहुत बड़े अचीवमेंट है ये आम छोटे मोटे नहीं है ये इनका इनकी अनमोल है ये पैसा कहीं और तरीके से कमा लेना और कोई काम कर लेना वो एक अलग बात होती है लेकिन इस तरीके से हम यूज कर रहे हैं आज इनका इनकी अहमियत समझ रहे हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ा अनमोल है बहुत बड़ी बात है और वॉशिंग मशीन की बात करेंगे तो मैं इस बिजनेस में जब आया था पंद्रह साल गवर्नमेंट जॉब और की थी हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं हुआ करती थी मेरी वाइफ हमेशा अपने कपड़ों आ, हमारे कपड़ों को हाथ से धोया करते थे लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद एक मशीन लिया दूसरी मशीन लिया अब ये फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोडिंग मशीन मेरी वाइफ बोलती है कि हमें ये पसंद है तो जब चाह हमने बदल दिया और पुराना ये नहीं कि हमने बेच दिया हमने किसी ना किसी को गिफ्ट किया जो लोग नहीं ले पाते थे हमने उसको गिफ्ट किया मैं बोला चल यार हम भी दानी बनते हैं और हम भी किसी का किसी को गिफ्ट करते हैं तो ये नई मशीन हमने लिया मेरी वाइफ आज इनसे बिल्कुल एकदम फुल्ली ऑटोमेटिकली है इजीली अपने कपड़े वाश कर लेते हैं और बात करेंगे आगे एसी की तो दोस्तों जब मैं इस बिजनेस में आया था उससे पहले हमारे पास में एक भी एसी नहीं हुआ करता था हमने कभी एसी ना मेरे घर में था ना मैं हम कहीं बाहर रहे कहीं पे भी नहीं कहीं से खींच खाच के कहीं ना कहीं कूलर हम यूज किया करते थे लेकिन आज हम अगर घर में चार रूम है तो चारों रूमों में ए सी आज ये सारे सीमेंट्स हैं और बात करेंगे पहले गोवा गया था पहली बार जब मैं बिजनेस में आया था टारगेट सीप करके गोवा गए गोवा का एंजॉय लिया थाईलैंड दो बार में जाके आया स्पेन में मैं जाके आया और ऐसे यूरोप के दो टूर मुझे मिले और जब मैं इस बिजनेस में आया था तब मेरे को मेरे पास में एक चेतक स्कूटर हुआ करती थी चौधरी साहब को मैंने बार बार बोलते हैं चौधरी साहब चेतक स्कूटर में मैंने खूब घुमाया हम जहां भी कहीं प्लान दिखाना होता था चेतक स्कूटर से चला करते थे उसमें एक चीज और भी थी उसमें क्या है कि कितना का फ्यूल है उसकी कोई सुई हुई नहीं होती चेते स्कूटर में सुई होती नहीं थी उस टाइम और हमें पता नहीं चलता था कि हमारी गाड़ी में फ्यूल कितना है हम चल देते थे रात को कई बार चले गए होते हैं और वापस आए तो पता लगा कि गाड़ी में तेल नहीं है और कई बार तो ऐसा होता था हम बरवा के ले भी जाते थे और वहां पे उसका कोई लोक नहीं होता था उसका उसका पेट्रोल की जो टंकी होती थी उसके ऊपर कोई लोक नहीं होता था हम जाके किसी को प्लान लगाने लगे और बाद में पता लगा किसी ने बोटल लगा के वो सारा निकाल दिया हम किक मारे थोड़ा सा आगे आए और आगे पता लगा कि हमारा पूरा पेट्रोल खत्म हम कई बार ऐसा हुआ कि आधी रात को दस को ग्यारह ग्यारह बजे बारह बारह बजे हम अब दोनों लोग धक्का मार मार के भी स्कूटर को लेके आया करते थे और वो भी एक लाइफ थी और हंसा करते थे यार जिंदगी बड़े मजे ले रही है हमसे और चौधरी साहब जब धक्का लगाते थे, थे ना पीछे स्कूटर को तो फिर बोलते रहते थे इन जब तो कार ले ले यार तू भी है ना और ये बड़ी बड़ी कारें साथ में चंडीगढ़ में रहते थे तो कारें बहुत होती थी तो वहां पे जब दिखती थी सर भी बोलते रहे जल्दी कार ले गए मैं हाँ सर बहुत अच्छे ड्रीम है बहुत ज्यादा जरूरी है हमें कार लेना तो दोस्तों जब जब बोलते हैं ना जैसे जैसे हाँ, इंसान चाहता है वैसे वैसे होता रहता है तो मैंने इस बिजनेस में आने के एक साल के अंदर अंदर ये आल्टो ब्लैक कलर की टॉप मॉडल कार परचेजिंग कर ली थी एक साल के अंदर और जहां पे पंद्रह साल पहले गवर्नमेंट जो होगी हम चेतक स्कूटर नहीं बदल पाए और यहाँ पे आने के बाद ये ब्लैक कलर की जब हमने कार परचेजिंग की इसको खूब साफ करके हम चलते थे और इसके आने से हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया जब हम कार से बिजनेस करने लगे और जहां पे भी कहीं जाते थे टूल सारे हाथ में होते थे लैपटॉप भी होता था सारी चीजें साथ में होती थी और हम कुछ लोगों को तो ऐसा होता था कि अपनी कार में बिठा के प्लान दिखाया करते थे कि यार चल ठीक है बाहर जगह नहीं है और फिर जब हम ए ऑन कर लिया करते थे इसका और पीछे बैठ के सर प्लान दिखाया करते थे तो कुछ लोग तो ऐसे होते थे उस टाइम कि जो हमारा प्लान नहीं हमारे कार के अंदर बैठ के हमारा जो ये इंजॉय वाली लाइफ थी उसको देख के ज्वाइन कर लेते थे बोलते थे बस सर आपके जैसा बनना है बता दो काम क्या करना है ऐसे भी बहुत सारे लोग मिले और शमशेर जी ने जब मेरी कार में बैठ के एक दो बार घूमा और इसका एक ही सपना बना बोला सर जल्दी से ये ऐसी कार दिलवा दो मेरे को अब तो मेरी मेरी ज्वाइनिंग मतलब टीम में बहुत से लोगों को हमने प्लान दिखाया बहुत सारे लोगों को ज्वाइन किया शमशेर सिंह एक ऐसा लीडर मिला जिसने ज्वाइनिंग करने के ठीक छ महीने के अंदर अंदर सिर्फ मैंने तो एक साल में लिया था शमशेर जी ने ठीक छ महीने के अंदर अंदर सेम टू सेम कार ब्लैक कलर की आ, अपना अल्टो टॉप मॉडल इन्होंने मतलब तो छह महीने के अंदर अंदर परचेजिंग कर ली थी पहले छह महीने में तो ये कार दिखाने का इसलिए इतना फायदा हुआ कार से बिजनेस करने का मजा ही कुछ और है उसके बाद घर वाले बोले कि आपने तो कार ले ली पापा ने बोला कि आपने तो कार ले ली आप तो उसका फुल्ली एंजॉय ले रहे हो लेकिन हमारे को आपकी कार का क्या फायदा हम हम तो वैसे जैसे पहले बाइक पे थे वैसे ही बाइक पे हैं और हमारे को तो आप जब कभी आते हो तो तब दिखता है कि हाँ घर में कार है बाकी तो पता ही नहीं चलता आप तो चंडीगढ़ रहते हो तो मुझे ऐसा लगा यार पापा को पहले कार गिफ्ट करना चाहिए तो मैंने वो घर गए हुए थे उसी दिन बात हुई तो मैं कार घर छोड़ के आ गया दोबारा लेके नहीं आया तो दोस्तों तो, इसके बाद मैंने अपना इंडिगो सीएस कार उस टाइम बड़ा चलन था मैंने इंडिगो सीएस कार परचेजिंग किया और इसके साथ जब मैं चलने लगा और थोड़ी कार बड़ी हो गई तो जैसी थोड़ी बड़ी कार में चलने लगे तो फिर क्या है कि सपने भी बड़े होते हैं और रिजल्ट भी बड़े होते हैं तो जो बड़ी कार में हमने बैठा बैठा के लोगों को प्लान दिखाया थोड़ा घुमाया और चारों तरफ से तो लोगों को भी भरोसा हो गया कि वाकई सिस्टम में दम है और वाकई ही कुछ कोई सिस्टम में काम कर रहे हैं और मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब को भी रिजाइन कर दिया और फुल टाइम काम करने लगे इंडिगो सी कार से चलने लगे और धीरे धीरे ऐसे ही काम बढ़ी रहा था लाइफ चली रही थी तब तक डस्टर कार मार्केट में लॉन्च हो गई डस्टर कार मार्केट में लॉन्च हुई उस टाइम जब मैंने कार लिया था उस टाइम इस टाइप की कारें बहुत कम हुआ करती थी लेकिन डस्टर आते ही मार्केट में इसका बड़ा शोर मचा की कार है कोई तो मेरा मन किया यार ये कार परचेजिंग की है करनी है और मैंने ये बात अपने अपलाइन मांगुर जी चौधरी साहब से शेयर की कि सर मुझको अपनी कार लेनी है तो सर ने बोला इंद्रपाल हमारे पास सिस्टम है ना पहले तो इन्होंने बोला कि यार आपके पास दो कार्य तो है मैंने बोला सर दो कार्य तो है लेकिन लेनी तो ये कार लेनी है एक बार तो इन्होंने मना किया लेकिन दूसरे कुछ ही टाइम के बाद जब देखा कि आदमी जिद कर रहा है तो बोला कि यार कोई फर्क नहीं पड़ता है अपडेट लगाओ और कार लेते हैं और मैंने अपने बेटे के बर्थडे पर प्लानिंग कर दिया कि बेटे का बर्थडे केक तभी काटेंगे जब हम कार लाएंगे तो मतलब हर चीज की जिद ठान के मेरे को काम करना पड़ा और मैंने बेटे की जो बर्थडे था उस पर डेट रखी कितनी तारीख को हम कार लेंगे और मैंने उसी डेट पे अपनी कार परचेजिंग की और मेरी एक और बात रही है मैंने जो भी टारगेट लगाया उसको मैंने किसी भी कंडीशन में जीतना ही जीतना है मतलब जो टारगेट लगा दिया वो फाइनल है कि किसी भी हालत में उस टाइम तक कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े कितना भी काम करना पड़े लेकिन मेरे को कार परचेजिंग करनी है या फिर मेरे को कोई भी टारगेट है तो उसको पूरा करना ही करना है इस टारगेट की बात आती है तो सर ने आपको कई बार बताया भी है कि एक बार हुआ था कि आ, मेरी जो एक बार टारगेट था थाईलैंड जाने का ही तो थाईलैंड जाने का टारगेट था तो मेरा कुछ कम रह गया था और कुछ लोग मेरे साथ दिल्ली से ज्वाइन थे कुछ लोग चंडी से चंडीगढ़ से ज्वाइनिंग थे और मैंने माउट जी से पहले बोला कि सर मेरे को ना अभी चौदह डीडी चाहिए तो सर ने बोला था कि इतपाल जी ऐसा करो आप सात डीडी का जुगाड़ आप कर लो और सात का मैं कर लेता हूं आपकी यहाँ पे वाली टीम से बात कर लूंगा और आपका टारगेट करवाएंगे मैंने बोला सर बहुत बढ़िया और मैंने आर्मी से एक वीक की छुट्टी ले लिया छुट्टी लेके मैं दिन रात लग गया और अपने काम पे सर ने सात डीडी बोली थी मैं सात की बजाय आठ ले गया आठ डीडी लेके मैं जब दिल्ली गया सुबह सुबह सर के पास पहुंचा और जैसे ही सर के पास पहुंचा उस टाइम फोन फोन कम होते थे और हम कम भी करते थे क्योंकि बहुत महंगा पड़ता था फोन तो हम कम करते थे तो सर को मैं जब मैं सर के घर पहुंचा तो सर ने मेरे को सुबह सुबह देखा तो बोला सर जी आ गया तो सर के उधर तो एकदम जैसे, एक जैसे जाते हैं किसी को देख के तो बोले आप कहाँ पे मैं बोला सर टारगेट पूरा करना है आ गया हूं और जब सर ने मेरी बात सुनी और सर ने बोल दिया इंद्रपाल जी जो यहाँ वाली आपकी टीम थी वो तो फोन ही नहीं उठा पाई और मैं भी बिजी रह गया यार उनसे ढंग से बात नहीं कर पाए और ये अपना टारगेट तो इस बार शायद नहीं हो पाएगा और सर को मालूम था कि सात डेडी कम है तो जब सात डेडी नहीं थी तो सर का तो ऐसा हो गया था थोड़ी देर कॉलिंग कॉलिंग करने के बाद की शायद नहीं होगा और उस दिन सर ने अपने पेरेंट्स के साथ में वैष्णो माता जाना था बुकिंग हो रखी थी सारे लोग तैयार थे और पैकिंग हो चुकी थी लेकिन मेरे को टारगेट पूरा करवाने के लिए सर ने कम से कम चार बजे तक मेरा साथ दिया हमने बहुत सारे लोगों को कॉलिंग की लेकिन एक भी डे हमारे हाथ में नहीं आई तो सर बोला इंद्रपाल जी मैंने मान लिया कि आपका टारगेट हो गया है, आप घर जा सकते हो तो जब सर ने ये बात बोली तो मैंने बोला सर ऐसा है आपने मान लिया अगर ये बात कंपनी बोल दे तो मैं अभी वापस चला जाऊंगा अदरवाइज आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरा साथ दिया इतना आपने मतलब इतने बिजी शेड्यूल से भी आपने मेरे को समय दिया आप अपने पेरेंट्स के साथ आप जा सकते हैं मैं शाम तक टारगेट पूरा करके ही जाऊंगा तो दोस्तों जिद थी और जिद ठान के शाम तक मैंने अपना टारगेट पूरा करके और पूरी डिपॉजिट करके और फिर मैं अपना वहां से वापस आया था अदरवाइज मतलब जिद ठाननी पड़ी और जिस दिन मैंने आल्टो कार लिया था उस दिन भी ऐसा एक मतलब माहौल बन चुका था मेरी बेटी का बर्थडे था हमने कार लेनी थी प्लानिंग किया हुआ था और मैंने एक जिद ठानी थी कि बेटी के बर्थडे का केक तभी कटेगा पहले कार आएगी ऐसा था लेकिन जिस दिन हमने कार लेनी डॉक्यूमेंट तैयार हो गए सारी चीजें तैयार हो गई थी लेकिन क्या हुआ कि कार जिस दिन लानी थी उस दिन शाम को बहुत तेज बारिश आ गई फुल डे बारिश थी शाम को बहुत बारिश हो गई और कंपनी वालों ने बोल दिया कि आज आपकी कार तैयार है डॉक्यूमेंट सब तैयार है लेकिन डिलीवरी कल ले लेना क्योंकि आज इतनी बारिश है रोड पे और बाहर बारिश बहुत ज्यादा है मैंने बोला नहीं हम आज ही कार लेके जाएंगे कंपनी वालों ने मना कर दिया मैंने उनको उनकी बात भी नहीं मानी मेरे परिवार वाले माने बोले ठीक है ना यार मान लेते हैं कार आ गई सारे डॉक्यूमेंट हो गए हैं सब कुछ हो गया है पेमेंट हो गई है तो कार ले लेंगे ना कल को कल ले लेंगे मतलब कल नहीं आएगी कार तो आज ही आएगी और बेटी का बर्थडे का केक कार में रख के लाएंगे मतलब इतनी जिद ठानी थी और इतनी बारिश होते हुए भी हम लेके आए गाड़ी लेके आए गाड़ी लाने के बाद ही हमने बेटी के बर्थडे केक काटा मतलब कोई भी काम करना है अगर इंसान अपने दिल से ठान ले तो वो काम होता है मैंने हर चीज को जिद ठान ठान के किया मुझे मौका मिल, मिल गया यहां से जिंदगी बदलने का तो दोस्तों ये मेरा घर देख रहे हैं आप ये घर में, मैं कराए, कराए में इस घर में मैंने किराए किराए में बेस पे आया था इस घर में मैं किराए पे आया था जब पहली बार मैं इसमें आया था मैं कुछ टाइम इसमें घर में रहा और यहाँ पे रह के मैंने बिजनेस किया बहुत बड़ा ये मेरे घर मतलब मेरे लिए बहुत लकी है मेरा घर ये इस घर में रह के ही मैंने सारे अचीवमेंट्स दिए और बाद में एक दिन ऐसा आ गया मौका कि जिस घर में हम रहते थे मकान मालिक ने बोला कि इस घर में बेचने वाला तो हूं और जैसे ही उसने ये बात बोली हमने सेम डे प्लानिंग किया एक ही दिन आज ही उसने बोला है और आज ही हमने प्लानिंग कर लिया कि सबसे पहले हम इस घर को खरीदेंगे तो दोस्तों ये घर मैंने खरीदा और ये अगर मैं सिस्टम में नहीं होता मुझे इतना मालूम है कि अगर मैं सिस्टम में नहीं होता तो मैं कभी भी ऐसा घर चंडीगढ़ में नहीं ले सकता ये सारा अचीवमेंट सिस्टम की वजह से है और दोस्तों अगला जो टारगेट है वो इस साल मेरी मैरिज है है जो जो नवंबर को उस साल हम अपनी फाइव लैक्स है, है इसकी तो मैं पचासी लाख की कार का प्लानिंग कर चुका हूं और दोस्तों ये कार अब आएगी आएगी बहुत बढ़िया आज तक के जितने हुए हैं इस बार भी किसी भी कंडीशन में और इसको पूरा करना है तो इसको पूरा करने के लिए हमारी कंपनी ने इतना शानदार बिजनेस हमें दे दिया है कि हम अपना ये छोटा लगेगा आने वाले टाइम में ये टारगेट हमें छोटा लगेगा हमें भी ऐसा लगेगा कि चौधरी साहब वाली कार ही सीधी लगा लेते हैं हम टारगेट है ना तो ये इस बार अठाईस नवंबर को मैं अपनी कार परचेजिंग करने जा रहा हूं ये सारा विजन ये सारा जो भी अचीवमेंट्स है ये मैं अपने अपने जितने भी अचीवमेंट्स हैं मैं अपने गुरु Uh, मांगुर जी चौधरी साहब और मांगुर जी नरसिंह अग्रवाल जी के चरणों में रखता हूं कि इन्हीं की वजह से सब हो पाया अगर ये दोनों दो शख्सियत दो मेरी जिंदगी में नहीं हो पाते हम कभी सोच भी नहीं पाते हम तो इसमें बैठ जाए इतना भी अपने आप को धन्य मानते कि यार हम बैठ पाए ठीक है लेकिन ये अभी अपने पास आने वाली है और इससे हम अपनी टीम के भी बड़े बड़े ड्रीम पूरा करवाएंगे और अपने परिवार के भी ड्रीम पूरा करवाएंगे दोस्तों बात आती है कैपिंग की और अभी बहुत सारी कई बार लगातार कैपिंग आ रही है लगातार टीम बहुत दमदारी से काम कर रही है और दो लाख नौ हजार तीन सौ उनचास रुपये का चेक मेरा आया और मेरे अकाउंट में आया है उसका स्क्रीन शोट भी डालका हुआ है तो कहने का ये है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा हो पाएगा और जब बात करते थे ना जब मैं ज्वाइनिंग किया था और बात करते थे दो दो लाख रुपये हफ्ता हाँ की तो उस टाइम हमारी सैलरी होती थी मतलब बाईस हजार रुपये करीब बाईस हजार रुपये करीब सैलरी हुआ करती थी और उस टाइम मेरे को बोला जाता था कि आप कमा सकते हो एक हफ्ते का दो लाख रुपया उस टाइम कंपनी दो लाख से ऊपर चेक नहीं देती थी दो ही लाख देती थी, थी उस टाइम तो दो लाख का प्लानिंग था तो मेरे को बोला जाता था आप हफ्ते का दो लाख कमा सकते हो तो मेरे मेरा मन अपने अंदर सोचता था कि यार हफ्ते का दो लाख बोल रहे हैं अगर मेरे को दो लाख महीना भी आ गया ना तो जिंदगी बदल जाएगी और दोस्तों आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मांगुर जी लोग मेरे को बोला करते थे दो लाख हफ्ता कमाएगा दो लाख हफ्ता कमाएगा आज दो लाख हफ्ते से ज्यादा की इनकम मेरे अकाउंट में आने लगी है और दो लाख नहीं आज में दो लाख अड़तालीस हजार दो सौ दस रुपए का चैक भी एक हफ्ते काइडिया से लगा सकते हैं कि एक साल का कितना बनेगा करीब करीब दो लाख छियासठ हजार रुपए करीब मैं एक साल में मैंने काउंटिंग किया था दो लाख छियासठ हजार रुपये मेरी सैलरी थी जिस साल में लास्ट साल में अपनी रिटायरमेंट लेके आया था एक साल की पूरे साल की जो इनकम थी वो थी दो लाख छियासठ हजार रुपया और सिस्टम की टीम वर्क की वजह से और मेरे अपलायंस के आशीर्वाद की वजह से उनकी गाइडलाइंस की वजह से आज एक वीक का मैंने कमाया दो लाख अड़तालीस रुपया तो बहुत बढ़िया टाइगर बहुत शानदार मजेदार वहां पे साल में नहीं कमाते थे ना हफ्ते में कमाने का मौका बस माहूर जी थोड़ा सा रह गया अभी दोस्तों जब मैं आर्मी में था या फिर हम जॉब पे थे तब अगर हमारा कोई पंद्रह सो रुपये भी टैक्स कट जाए ना तो हम अपने बाबूजी को बार बार बोलते थे जाके ये देखो ना मेरी एक एल आई भी है ये देखो ना मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं मेरा कैसे मेरा कैसे कैसे कट कट गया गया टैक्स हम टैक्स कट जाए पंद्रह सौ रुपये तो अपने बाबू की जान नहीं छोड़ते थे उनको बोलते थे ये क्या हो, हो गया मेरे पंद्रह सौ रुपए कम आ गए मेरे कट के आ गए उस टाइप की सोच थी हमारी लेकिन सिस्टम हमारे को सिखाता है कि हम कैसे मतलब अपने देश की सेवा कर सकते हैं देश के निर्माण की सेवा कैसे कर सकते हैं कैसे उनका सहयोग कर सकते हैं साथ लग के दोस्तों तो हमारी कंपनी जो भी इनकम देती है व्हाइट मनी देती है एकदम हमारा कोई भी मतलब ऊपर नीचे से कोई एक्स्ट्रा वेक्स्ट्रा पैसा नहीं आता है हमारा जो भी आता है हमारे अकाउंट में पैसा आता है एक नंबर में हमारी कंपनी टोटल काम करती है टोटल पैसा देती है और जो हमारा एक नंबर में पैसा आता है उसका हम बड़े शौक से इनकम टैक्स पे करते हैं और अगर आज के दिन में इनकम टैक्स ज़्यादा कटता है पहले हम दुखी होते थे कि यार मेरा इनकम टैक्स क्यों कट गया उस सोच ही ऐसी थी लेकिन जब बिजनेस में आए पता चला कि हम जितना ज्यादा टैक्स देने वाले बनेंगे हम उतनी जल्दी अमीर बनेंगे तो दोस्तों मुझे बड़ा प्राउड हो रहा है इस बात को बताते हुए इन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वजह से ऐसा सिस्टम दे दिया बाँशा। बाँशा। आप लोगों के आशीर्वाद से आज मैं गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूं और गवर्नमेंट मुझे इसके लिए सर्टिफिकेट पे कर रही है कि आपने आज हमें इतना टैक्स पे किया है तो इसके लिए हम बहुत लकी हैं अपनी कंपनी का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस तरीके का सिस्टम हमें दिया कि हम टैक्स देने वाले बने और मैं बार बार धन्यवाद देता हूं अपने मेंटर्स का मांगुर जी चौधरी साहब और मांगुर जी अग्रवाल साहब का जिनकी गाइडेंस में मैंने काम कर करके आज मैं गवर्नमेंट को इतना शानदार टैक्स पे कर सकता हूँ टैक्स पे कर रहा हूँ मुझे बड़ा प्राउड होता है इस बात को बताते हुए बहुत बहुत, बहुत शानदार और दोस्तों पे आस्था से मिलता है सफलता का रास्ता और मैंने क्या क्या काम किए ये थोड़ा सा एक मिशन बना के काम है है ना जब भी भी मेरे को बोला बोला गया मैंने जो भी बोला सर ने वो काम किया मैंने मतलब अपना दिमाग नहीं लगाया लेकिन जो भी जिम्मेवारी थी मैंने वो जिम्मेवारी पूरी की है ना कहां कहां से हम अपने बिजनेस को अपडेट कर सकते हैं है ना मतलब मेरे जो है वो दोनों सक्सेसफुल सक्सेसफुल लीडर हैं और उन सक्सेसफुल लीडरों के साथ साथ में चल के मेरी भी सफलता मिल रही है और बोला भी जाता है जैसी संगत वैसी रंगत और हम पहले जैसे लोगों के बीच में रहते थे वैसा माहौल था अब हम विजनरी लोगों के बीच में रह रहे हैं बड़ी सोच वाले लोगों के बीच में रह रहे हैं तो उनके जैसे जैसे वो लोग करते हैं वैसे वैसी हमारी भी आदत बनती जा रही है हम भी सक्सेसफुल होते जा रहे हैं है ना और जिसके लिए अभी जैसे फ्राइडे ट्रेनिंग आती है तो फ्राइडे ट्रेनिंग में मैं रेगुलर आज तक का मेरा रिकॉर्ड है जब से मैंने ज्वाइनिंग किया आर्मी में जब तक रहे जब टाइम मिलता था तब निकलते थे कोशिश करते थे जाने की फिर भी लेकिन जब से मैंने जॉब को ज्वाइन किया और फुल टाइम इस बिजनेस में आया तब से कोई भी फ्राइडे आज तक ऐसा ना हो कोई इकलौता फ्राइडे ऐसा ना हो कि जब मैं कहीं पे ट्रेनिंग में ना गया हूं फ्राइडे ट्रेनिंग में ना गया हूं मैंने हर हर फ्राइडे ट्रेनिंग को अटेंड किया हर फ्राइडे ट्रेनिंग को आज तक का रिकॉर्ड है मैंने कभी भी फ्राइडे ट्रेनिंग को कभी मिस नहीं किया मैं रेगुलर या तो मैं पहले सीखता था और जब मेरे को मैं थोड़ा तो कुछ सीख गया मैं तो तब मैं सिखाता था लेकिन फ्राइडे जो हमारी एनओ ट्रेनिंग होती है उसको मैंने लगातार अटेंड किया और मैं चाहूंगा सभी लोग इसको आप फॉलो करें और संडे प्लान संडे का प्लान स्टार्टिंग में मैं दिल्ली में था तो वहां पे जाते थे कुछ टाइम के लिए लेकिन फिर मैं चंडीगढ़ आ गया यहाँ पे कोई वेन्यू हुआ नहीं करता था और मैंने मतलब फ्रेशर लेवल से ही ये लगा लो कि सिल्वर भी अभी ढंग से बना नहीं था और चंडीगढ़ में आके मैंने काम शुरू किया और मैंने हर संडे का प्लान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके किया और तब से लेके अगर कोई शादी मिस होती है तो हो जाए लेकिन मैंने कभी संडे प्लान मिस होने नहीं दिया हम कोशिश करते हैं कि संडे को संडे तो हमारा वर्किंग डे होता है ना और पावर वर्कशॉप हमने सुबह सुबह हमेशा आज से ही नहीं मतलब बहुत सालों से हम रेगुलर पावर वर्कशॉप सुबह सुबह अपनी टीम को सीखने सिखाने का काम कर रहे हैं और जब मैं इस बिजनेस को कर रहा था लेकिन काम ना हो रहा था हो रही थी लेकिन मेरे साथ में लीडर नहीं खड़े हो पा रहे थे कि मैं काम को कैसे बड़े लेवल पे लेके जाऊं तो मैंने इस बात के लिए मांगुर चौधर से बात की कि सर मतलब काम तो बहुत आ, हो रहा है ज्वाइनिंग तो रोज मैं निकाल रहा हूं लेकिन जब बात आती है यहाँ पे आगे काम करने की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जैसे मैं काम करता हूं ऐसे लोगों की काम करने की तो उस टाइम लोग मेरे साथ में आते नहीं है तो सर ने बोला इंद्रपाल जी इसके लिए लीडरों को कोर बनाना पड़ता है तो मैंने फिर कोर अभियान छेड़ा और हमने चंडीगढ़ के अंदर कोर सेशन चलाने शुरू किए और जब से मैंने रेगुलर कोर मतलब चलाए कोर वर्कशॉप चलाई तो उसके बाद मेरे को शमशेर जी मतलब उसी जगह से अपना मिशन बना के निकला था कि यार मुझे कोर बनने के बाद कोर मीटिंग अटेंड करने के बाद और शमशेर जी एक ऐसे लीडर हैं जो निम्मच से चंडीगढ़ को ट्रेनिंग करने के लिए आ जाते थे अपने ग्रुप को लेके अपने साथ में कुछ लीडरों को लेके और निहाल जी हैं हमारे लीडर निहाल जी रेगुलर को ट्रेनिंग कर करके करके कर करके कर 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 एक ऐसे लीडर बन गए कि इनका लगता था कि जल्दी से हम फुल टाइम काम करें और कोर ट्रेनिंग लगातार करवा करवा के ही मेरी टीम में फिर दमदार लीडर आ गए और ये इतने कोर बन गए कि जैसे बोला जाता है इस बिजनेस में आने के बाद कि यहां पे आपको इज्जत पैसा मिलेगा इज्जत मान सम्मान मिलेगी और आपको टाइम फ्रीडम भी मिलेगा मैंने जब कोर लीडर तैयार किए तो मेरे को टाइम फ्रीडम भी मिला मेरे दोनों लीडर ऐसे हैं मतलब शमशेर जी न्याल जी इस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इतने जब, जबरदस्त कोर लीडर हैं कि अगर मैं काम कभी ना भी कर पाऊं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि यार आज मैं इस मीटिंग में नहीं पहुंच पाया और वो मीटिंग अच्छी ना होगी मतलब जो भी मैंने आज तक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है इन्होंने हंड्रेड परसेंट करके दिखाई है और इन दोनों लीडरों पर मुझे अपने खुद से भी ज्यादा विश्वास इन दोनों लीडरों पर ये सब हो पाया कोर वर्कशॉप चलाने की वजह से जब कोर वर्षापें हुई और इन्होंने उस उसमें अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा कि नहीं यार हमने अपना काम अपने आप करना है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम इस काम को करेंगे तो इन दोनों लीडरों की uh, की सेशन वजह से दोनों लीडर मेरे कोर बने और बहुत सारे लीडर मेरी टीम में आए आए जितने भी रेड क्लब ये लगातार वर्कशॉप में चलने लगी अब बहुत सारे लीडर मैं कम ना हूं कि कम से कम 200 सौ लीडर मेरे पास में ऐसे हैं अभी जो कि पूरी पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करते हैं तादा नगर में बहुत सारे कोर लीडर हमारे पास में है, जितने भी रेड क्लब है ना बनारस में हमारे सारे सरजी साहब सब पार्टी सारे बहुत ही अच्छे कोर लीडर हैं और ये सारा कोर वर्कशॉप चलाने की वजह से हुआ और लीडर मीटिंग हमने बार बार लीडर मीटिंग कराई और लीडर मीटिंग में, में बार बार जाने से अपने अपने अंदर की काबिलियत बाहर निकलती है और लोगों को देख के पता चलता है कि यार एक लीडर के क्या क्या काम होते हैं और मैं उनको कितना फॉलो कर रहा हूं और बाकी लोग कितना फॉलो कर रहे हैं इन चीजों का सारा लीडर मीटिंग में पता चलता है और आगे आता है फंक्शन की तो दोस्तों फंक्शन में आने के बाद तीसरी आंख खुलती है मेरी आंख खुली थी आ, आगरा में जाके आ, वहां पे फंक्शन था में और वहां पे हमारे आ, मेंटर हैं माधव जी और विजयपाल जी दोनों डायमंड बने थे मैंने पहली बार डायमंड फंक्शन वहां पे देखा था माँ जी नरसिंह ग्रेवाल जी को मैंने वहीं पे देखा था ओम प्रकाश जी सर को भी वहीं पे देखा था सारे मेंटर लीडर जो वहां पे आए थे उन लोगों को उनकी वेलकम देखे थे उन लोगों की स्पीच सुनी थी और जब वहां पे मैंने वो सारी चीजें सुनी थी तब मैंने मुट्ठी बांधी थी कि मैं बहुत जल्दी डायमंड बनकर दिखाऊंगा और जैसा उनका फंक्शन था उनके फंक्शन को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि इनसे भी अच्छे फंक्शन मुझे करके दिखाने हैं और तब से लेके पूरी अपने समझ के हर फंक्शन को अटेंड किया हर फंक्शन को अटेंड कर खुद के फंक्शन ऑर्गेनाइज कराए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अगर नुकसान भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर दस रुपए फालतू भी लग जाते हैं किसी फंक्शन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने कभी परवाह नहीं की परवाह क्यों नहीं की <coughs> क्योंकि मैंने मांगुरु जी से बार बार ये बातें सुनी थी कि जो पैसे हम यहाँ पे ला, लाए हैं हमने खेत की गेहूं बेच के थोड़ी लाए हैं हमने यहीं से तो कमाए हैं और अगर अपने सिस्टम को और डेवलप करने के लिए दस रुपए खर्च भी हो जाते है तो कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने कभी भी पैसा खर्च हो जाए इसकी परवाह नहीं की और जैसे मैंने इस चीज की परवाह नहीं की मैंने खर्च किया और मेरे को बहुत सारा पैसा आने लगा जब भी मैंने कोई फंक्शन करवाया पूरी कॉन्फ्रेंस लेके अगर बाई चांस वहां पे फंड कट कम इकट्ठा हो पाया और वहां पे कुछ ज्यादा पैसा लगा हमने अपने इवेंट्स को कुछ किसी चीज की कमी नहीं होने दी हमने बोला इवेंट्स पूरा होगा अगर बाई चांस चार पैसे कम भी हो गए और हम अपनी जेब से पूरा करेंगे लेकिन उसको फंक्शन को एकदम हिट करेंगे और हिट करने की वजह से हमारा रेगुलर आगे बिजनेस बढ़ने लगा और मैं आपको भी बताना चाहूंगा दोस्तों जब भी कोई फंक्शन होता है उसमें दिल खोल के लोगों को बैठाए बहुत सारे लोग इसलिए नहीं आते हैं कि वहां पे चार पैसे खर्च हो जाएंगे आप खर्चे से ना डरे वहां पे जिन लोगों को बिठाएंगे क्या पता किसकी तीसरी मुठ्ठी बांध के खड़ा हो जाए और बोले कि यार मैं इनसे भी अच्छा फंक्शन करके दिखाऊंगा मैं जल्दी डायमंड बन के दिखाऊंगा कौन इंद्रपाल सिंह आपको मिल जाए मेरी शुरुआत मेरा जो इतना बड़ा विजन बना था वो उस फंक्शन को देखने से मुठ्ठी बांधी थी तो इसलिए आप फंक्शन में जब भी जाए खुद भी जाए और फंक्शन को अपनी टीम को भी प्रमोट करें अपने गेस्टों को प्रमोट करें और आगे आई थी दिशा दिशा वर्कशॉप में हमारा माइंड माइंड पावर दिशा है जिसकी वजह से हम अपना अपने मन की शक्तियों को आगे लेके आते हैं मन क्या होता है मन किस तरीके से काम करता है ये सारी चीजें मेरे को भी जानने का मौका मिला और जब एक बार दिशा कर ली तो मुझे ऐसा लगा कि दिशा करने से सब कुछ होता है यहां से विजन बनता है मैंने रेगुलर दिशा की मैंने कभी कोई दिशा नहीं छोड़ी उसके बाद खुद हमने अपनी दिशा ऑर्गेनाइज करवाई पहले मांगुर जी चौदह से हम दिशा करवाने लगे है ना और उसके बाद हमने खुद अपना इसका बेड़ा उठाया कि हमने लोगों को घर घर तक दिशा पहुंचानी है दिशा की एजुकेशन हर लीडर को देनी है तो हमने खुद के अपने बैच चलाने शुरू किए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके पूरी दिशा ऑर्गेनाइज करवाई जिसकी वजह से आज हमारी टीम में बहुत सारे लोग बड़े विजन के साथ काम कर रहे तो इसके लिए आ, हम अपने सिस्टम का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने हम इस लायक बनाया सिखाया और दोस्तों अभी तो एक ही बात है बेसिक का फंडा गाड़ देगा टारगेट का झंडा मेरे जो भी अचीवमेंट्स हुए हैं आज तक जो भी कुछ हुआ है वो टारगेट की वजह से हुआ है टारगेट बार बार जीत जीत के बार बार टारगेट जीत जीत के बार बार टारगेट जितवा जितवा के अपनी टीम से मैंने दिन रात लग लग के अपनी टीम के साथ में मेहनत करवा करवा के अपनी टीम के टारगेट जितवाए और जब उन लोगों को अचीवमेंट मिले तो उनको भरोसा हो गया और बहुत सारे लोग अपनी जॉब को छोड़ छोड़ के इस बिजनेस में आ गए हैं और अभी हम एकदम एक ऐसी टीम बनाने जा रहे हैं कि जो दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम होगी और मैं बोलूंगा के आने वाले दो साल के अंदर अंदर हम मतलब इंडिया में जितनी भी नेटवर्किंग काम कर रही है उन सबसे बेहतरीन टीम बना के दिखाएंगे अपन सबसे बड़ी टीम बना के दिखाएंगे और मैंने आज जो भी बोला है जो भी बातें अचीवमेंट्स की बात बोली है ये सारी मेरी वजह से नहीं ये सारी मेरे अप्लायंस और मेरे सिस्टर हमारी कंपनी की वजह से हो पाया है और दोस्तों मैं लगातार सिस्टम के साथ जुड़ा रहा अप्लायंस के साथ लगातार गाइडलाइंस में काम करता रहा उनको अपना मेंटर मान के लगातार उनकी बात को मानते हुए काम करता मैंने सिर्फ मेंटर नहीं माना उनकी बात को माना हमेशा अपने बहुत सारे लोग होते हैं जो मेंटर तो बोल लेते हैं लेकिन मेंटर की बात को फॉलो नहीं करते मैंने आज तक चौधरी सर से आप पूछ सकते हैं माँ जी नरसिंह गरीवाल जी से तो, तो मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि मांगुरु जी ने कोई आवाज़ बोल दी हो इंद्रपाल सिंह ने वो काम ना किया हो मैंने अपनी तरफ से बेटर करने की कोशिश की लेकिन सर लोगों की शरण में रह के काम किया और मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि अपने का प्राउड अपलू उनका प्राउड बनने के लिए उनकी आज्ञा के अनुसार मैं काम करता गया आज ये सब कुछ हो पाया उन्हीं की वजह से हो पाया आज मैं एक सवा घंटा आप लोगों के बीच में बोल पाया ये सारी ताकत मेरे मांगुर जी लोगों की है थैंक यू मांगुर जी आप लोगों ने मुझे मौका दिया अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाने का मैं कैसे कैसे यहाँ तक पहुंचा मैंने क्या क्या अचीवमेंट लिए आगे क्या क्या मेरे प्लानिंग है मैंने सब शेयर किए हैं तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया